अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन कॉर्नर बाय मेडी। आई होप कि आपने हमारी पिछली वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया होगा। उस वीडियो का नाम जो था क्विक एंड इजी वेज टू फिल द ओएमआर शीट, मैंने उसमें आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताई थी कि आपने ओएमआर शीट को कैसे फिल करना है, स्पेशली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। अब मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। ये मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बहुत कारामद होगी, क्योंकि ये इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फार्मूलाज़ को याद करना स्पेशली बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इतने 50 to 57 फार्मूलाज़ होते हैं जिनको याद करना एक बहुत बड़ा इशू होता है। मैं आपको इजी वे और कुछ टिप्स बताऊंगी, उनको आप अपने जहन में रखकर इसको याद इजीली कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ। जी हाँ, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। जी हाँ, आपको मैं जैसा कि आप देख रहे हैं साइन एक फंक्शन है जो एक अल्फ़ा बीटा दो एंगल्स हैं, इनके बीच में एक प्लस का साइन आप देख रहे होंगे। इस प्लस के साइन का साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि इस वाले फंक्शन में आइडेंटिटी में आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि साइन जब प्लस का आ रहा है तो इसका फंक्शन चेंज नहीं होगा, प्लस चेंज नहीं करेगा। साइन में प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस ही आएगा। बीच में साइन जो है वो पहले वाले के साथ आएगा, कॉस दूसरे वाले के साथ आएगा, और अगले वाले पोर्शन में कॉस पहले आएगा, साइन बाद में आएगा। जी हाँ, साइन नेगेटिव वाले में अगर आप देखें अल्फ़ा माइनस बीटा तो ये बीच में नेगेटिव ही रहेगा। कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा होगी वही वाली चीज़, बस बीच में प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस आएगा, माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस आएगा। जी हाँ, कॉस में इन्वर्स होता है, जैसा कि आपको डी मोइवियर थ्योरम से पता होगा कि कॉस जो है वो प्लस का साइन पॉजिटिव साइन एब्जॉर्ब करता है। इसी आइडेंटिटी की वजह से ये फॉर्मूला, ये प्लस जहाँ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हुआ है वहाँ आपने करना क्या है, ये प्लस वाला फार्मूला में माइनस आता है, माइनस वाले फार्मूले में प्लस आता है, बाकी ऊपर वाली चीज़ सेम होगी। ये फार्मूला फर्स्ट ईयर में बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं, कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आगे ऑनवर्ड जितनी भी क्लासेस है ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही अहम फंक्शन अदा करती है। जी हाँ जी, हम हाँ थे कॉस वाले पे, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इसमें दोनों दफ़ा पहले कॉस आता है फिर दोनों दफ़ा साइन आता है, लेकिन प्लस के फार्मूले में माइनस, माइनस के फार्मूले में प्लस। बस एक ये बात याद रखने की है, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा, वन माइनस टेन अल्फ़ा बीटा। इसमें आपने क्या करना है, प्लस के फार्मूले में ऊपर प्लस और नीचे माइनस, और माइनस के फार्मूले में ऊपर माइनस। यहाँ पे आपने साइन कन्वेंशन का ख्याल रखा, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला में टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा, प्लस के फार्मूले में ऊपर प्लस आता है, माइनस के फार्मूले में ऊपर माइनस आता है, और उसका अल्टरनेटिव साइन वन माइनस करके दोनों को एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं। जी हाँ जी, को रेशोज, ये तो आपको पता ही होगा कि जो अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट है उसके तहत कॉस को साइन में चेंज करते हैं, साइन को कॉस में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सीकेंट को कोसेकेंट में, कोसेकेंट को सीकेंट में। जी हाँ जी, पाइथागोरियन थ्योरम, ट्रायंगल फार्मूला, ये सब कुछ तो आपको पता ही होगा। अब मैं आपको बताती हूँ हाफ एंगल फार्मूलाज। जी हाँ जी, ये हाफ एंगल फार्मूलाज जो हैं ये उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हाफ करके बनाए जाते हैं। इसकी भी याद रखने की एक ट्रिक है, कॉस अल्फ़ा प्लस बी कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई टू इज कॉस हाफ एंगल प्लस माइनस अंडर वन प्लस कॉस, वन प्लस कॉस कॉस में वन माइनस प्लस माइनस अंडर वन प्लस कॉस अल्फ़ा वन, ऊपर प्लस आता है डिवाइडेड बाई टू, और साइन अल्फ़ा बाय टू में ऊपर माइनस आता है डिवाइडेड बाई टू। आपने टेन का फार्मूला कैसे बनाना है, जैसा कि आपको पता है टेन जो होता है साइन डिवाइड बाई कॉस होता है, तो आपने साइन की वैल्यू ऊपर लिख दी, कॉस की वैल्यू नीचे लिख दी, तो ये आपका साइन टेन का हाफ एंगल फार्मूला बन गया। जी हाँ जी, ट्रिपल एंगल फार्मूलाज में साइन थ्री अल्फ़ा, थ्री साइन अल्फ़ा माइनस फोर साइन क्यूब अल्फ़ा, इसमें आपने करना क्या है, बस एक चीज़ याद रखनी है, साइन थ्री अल्फ़ा में थ्री पहले आता है, कॉस थ्री अल्फ़ा में फोर पहले आता है, यानी कि इस फंक्शन को अगर हम यहाँ पे कॉस क्यूब लगा दें तो कॉस थ्री अल्फ़ा में फोर कॉस पहले आता है, साइन थ्री अल्फ़ा में थ्री साइन पहले आता है, और वैसे भी ये दोनों होते ही माइनस के साथ कॉमन है, ये प्लस के साथ नहीं होते। जी हाँ जी, टेन थ्री अल्फ़ा, थ्री टेन अल्फ़ा माइनस थ्री टेन क्यूब अल्फ़ा, दोनों में ऊपर नीचे माइनस आएगा। ट्रिपल एंगल फार्मूला में ये चीज़ कॉमन है कि दोनों ऊपर नीचे माइनस है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर मैंने पिछले वाले डबल एंगल फार्मूला में बताया था, ऊपर अगर प्लस का है तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस है, लेकिन ये तो है ही ट्रिपल एंगल फार्मूला, तो इसमें माइनस माइनस कॉमन है, वन ऊपर नीचे माइनस ही है। जी हाँ जी, नेक्स्ट कम फ्रॉम सम टू डिफरेंस प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करने का। जी हाँ जी, सम या डिफरेंस, अगर एल्जेब्रिक सम या डिफरेंस है तो आपने
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को सम से आपने प्रोडक्ट में कैसे करना है, इसके लिए क्या आपको निशानी मैं बताऊंगी? जी हाँ जी, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस, जहाँ बीच में प्लस आ रहा है वहाँ आपने पहले 2 साइन अल्फा लिखना है, जहाँ बीच में माइनस आ रहा है वहाँ आपने कॉस वाले को पहले लिखना है, बाकी सारे फंक्शन उसी तरह होंगे। अब कॉस में पहले अगर प्लस का कॉस है तो दोनों जगह कॉस आएगा, अगर माइनस का कॉस है ये चीज़ कॉमन रहेगी, बस प्लस माइनस से फ़र्क पड़ जाएगा, माइनस से माइनस टू साइन, अगर माइनस कॉस वाला फंक्शन है उसको प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना तो दोनों जगह साइन आएगा, कॉस वाला है तो उसको प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना दोनों जगह कॉस आएगा, अगर प्लस वाला है तो दोनों जगह कॉस, माइनस वाला है तो दोनों जगह साइन। जी हाँ, अब हम जी प्रोडक्ट से इनको सम पे एक्सप्रेस करेंगे। जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया था कि पहले अगर साइन है तो प्लस, पहले अगर कॉस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ अगर कॉस एल 2 कॉस अल्फा, इसमें कॉस अल्फा पहले है साइन अल्फा प्लस माइनस आता है, माइनस 2 साइन अल्फा, इसमें कॉस, इसमें 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा है, इसमें प्लस आएगा 2 साइन अल्फा साइन बीटा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ था 2 साइन अल्फा साइन बीटा, वहाँ पर आपने माइनस वाला लिखना है, माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा बाय 2 के अलावा यहाँ पे दोनों जगह साइन है, यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा। जी हाँ, अब साइड वाले फार्मूले, पहले वो हाफ एंगल फार्मूले थे, ये हाफ एंगल फार्मूला इन टर्म्स ऑफ साइड है। आप देख रहे होंगे साइन अल्फा बाय 2, अल्फा में अल्फा जो है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए नहीं लिखेंगे बाकी एस माइनस बी, एस माइनस सी, और नीचे इन दोनों को कंबाइन करके बी सी। साइन बीटा बाय 2 में बीटा को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए डिवाइडेड बाय सी ए। जिस चीज़ का हम एंगल फार्मूला ले रहे होते हैं उसका लेटर नहीं आता, बाकी वो दोनों, बाकी ये दो लिख के हम उसको नीचे कंबाइन कर देते हैं। साइन गैमा बाय 2, गैमा आपको पता है सी से एसोसिएट होता है, तो यहाँ पर ए और बी आएंगे और नीचे उनको कंबाइन करेंगे, सी नहीं आएगा। कॉस में इसके उलट होता है, कॉस अल्फा बाय 2 जो है उसमें ए एस एस इंटू एस माइनस ए, अल्फा ए से रिप्रेजेंट होता है और बकाया के जो नीचे दो लेटर रह जाए बीटा और गैमा, उनके हमने यहाँ लेटर्स लिख दिए बी सी। जी हाँ जी हाँ, कॉस बीटा बाय 2 तो यहाँ पे एस इंटू एस माइनस बी, बीटा बी से एसोसिएट होता है और ए सी, गैमा बाय 2 गैमा होता है सी से एसोसिएट, एस इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाय ए बी। इनका टेन का निकालने के लिए आपको टेन साइन डिवाइड बाई कॉस करने के लिए इन दोनों को ऊपर नीचे लिखेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये साइन डिवाइड बाई कॉस वाली वैल्यूज ऊपर नीचे आती जाएंगी। हाँ जी, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को स्पेशली पता होगा लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन का लॉ होता है, टेन का लॉ होता है, कॉस का लॉ होता है, यहाँ पे लॉज को भी याद रखने का एक तरीका है। लॉज ऑफ साइन इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय साइन अल्फा, ए के नीचे अल्फा आएगा, बी के नीचे बीटा आएगा, दोनों क्योंकि साइन का लॉ है इसीलिए दोनों सारी जगह साइन आएगा, सी डिवाइड बाय साइन गैमा। लॉ ऑफ कॉस, कॉस के लॉ को याद रखने का एक ये तरीका है कि जो ए जिस साइड का स्क्वायर आप ले रहे हैं उसी साइड का एंगल आएगा लेकिन साथ कॉस आ जाएगा। बी सी यानी कि हम अगर ए साइड ले रहे हैं उसका स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अगली साइड का स्क्वायर, उससे अगली साइड का स्क्वायर, दोनों को इकट्ठा करके माइनस, दोनों को इकट्ठा करके उसका स्क्वायर, और कॉस लगा के ए स्क्वायर यानी कॉस अल्फा, बी स्क्वायर यानी कॉस बीटा, सी स्क्वायर यानी कॉस गामा, बाकी के जो साइड आपने लिखी है उससे अगली दो साइड्स को प्लस करके स्क्वायर करके और 2 से मल्टीप्लाई करना है। जी हाँ, टेन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, टेन का लॉ, टेन का लॉ में ये होता है कि जो अल्फा माइनस बीटा है तो ए माइनस बी, बीटा माइनस गैमा है तो बी माइनस सी, अल्फा माइनस गैमा है तो सी माइनस ए। इसको आपने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम के थ्रू अपने जहन में रखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल को फाइंड करने के बहुत से तरीके, एरिया को फाइंड करने के बहुत से तरीके होते हैं जब साइन और कॉस गिवन हो। जब आपको दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो तो आपने करना क्या है कि वो एक एंगल उन दो साइड्स को मल्टीप्लाई करना है, और अगर ए साइड फाइंड करनी है तो उसका एंगल आपको अननोन होगा, एक एंगल नोन होगा और बाकी के दो एंगल्स आपने निकालने हैं और एक साइड निकालनी है। व्हेन वन साइड एंड टू एंगल, जब आपको दो, एक साइड और दो एंगल दिए हुए हों तो आपने उसी एक साइड का स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा यानी कि एक एंगल दूसरा एंगल और दोन और जो अननोन जो साइड है जिसका एंगल अननोन है वो नीचे रखना है। जब तीनों साइड्स गिवन हो तो आपको
हीरोज़ फार्मूला लगाना है। इस एस को फाइंड करने का तरीका ये है कि आप लोगों ने ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू करना है, जो कि एस निकालेगा। इस एस को निकाल के तीनों साइड्स के साथ पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा, तीनों साइड्स आपकी फाइंड हो जाएंगी एरिए के साथ। ताकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स एंड ऑनवर्ड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जानते होंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनका इन्वर्स भी बहुत मायने रखता है हमारे लिए, बहुत वैल्यू होती है उसकी। इस तरह इन्वर्स की आइडेंटिटीज डिफरेंट होती हैं। साइन इन्वर्स ऑफ अल्फा ए प्लस साइन इन्वर्स ऑफ बी, प्लस का साइन है तो बीच में ये चीज़ एक ही जैसी रहेगी, बस प्लस आ जाएगा। ए लिखेंगे तो अंडर रूट में बी स्क्वायर आएगा, बी लिखेंगे तो अंडर रूट में ए स्क्वायर आएगा। दोनों में माइनस आएगा लेकिन प्लस वाले फार्मूले में प्लस आएगा, माइनस वाले फार्मूले में सारी चीज़ वही होगी बस माइनस आ जाएगा। दोनों में माइनस और दोनों में प्लस होगा। कॉस के फार्मूले में डिफरेंट चीज़ होगी, एक जगह जहाँ पे प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस आएगा। ए बी इंटू वन माइनस ए स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक दफ़ा ए स्क्वायर अंडर रूट और वन माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट करना है। कॉस इनवर्स ऑफ ए माइनस, माइनस के फार्मूले में प्लस करना है, ऊपर वाली चीज़ ही होगी। टेन के फार्मूले में आपने प्लस जहाँ हो रहा है वहाँ ऊपर ही प्लस, जो उसकी पिछली आइडेंटिटी मैंने आपको बताई भी थी, पहले प्लस हुआ है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, माइनस हुआ है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। लेकिन टेन की डबल एंगल आइडेंटिटी भी हमारे पास है, टू इनवर्स टेन इनवर्स ऑफ ए, यानी कि अगर हम इसके टू टेन का डबल फार्मूला हम निकालते हैं, टू टेन इनवर्स का डबल फार्मूला है टू ए वन माइनस ए स्क्वायर। आई होप यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हम यकीन है कि हमारा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एजुकेशन कॉर्नर बाय मैडी को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगी आपके लिए बहुत भी हेल्पफुल आर्टिकल लेके, नेक्स्ट वीडियो इसके ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।